दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फास्ट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डेट आ चुका है। 4 तारीख से हमारी प्रवेश परीक्षाएं हैं, BA, BCom और LLB की प्रवेश परीक्षाएं हैं। टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि 10 दिन बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकेंगे। हम अपनी ओर से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। उम्मीद करेंगे आपकी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ही सही होगा, छत्तीसगढ़ जो हमारा है, यह जो राज्य है ये चारों ओर से भूमिबद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, सामाजिक असमानता का ये जो है ये हमारा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल ही सही होगा, उच्च ताप और निम्न दाब पर। बॉयल का नियम का पालन उच्च ताप और निम्न दाब पर अच्छी स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक पदक प्रथम विजेता भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो 5 का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही होगा, राजा शिव प्रसाद जो थे, इन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़, ये जो है ये अरावली का उच्चतम शिखर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रथम प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और हिमालय। तो सबसे प्राचीनतम हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयनचंद्र सूरी। तो 8 का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही होगा, जयानक, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन, पेट्रोलियम में बहुतायत में कौन होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही सही होगा, ब्यूटेन। पेट्रोलियम में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उड़ीसा में। कभी कभी ये ब्लैक पैगोडा के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ब्लैक पैगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, शिवाजी के अष्ट प्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही होगा, सुमंत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाने पाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रे बनाई जाती हैं? हमारे ऑप्शन है तांबा, टिन, लोहा और एल्यूमिनियम। तो 13 का ऑप्शन
डी सही होगा, एल्युमिनियम। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? तो ऑप्शन क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम और चांदी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हीरा। हीरा कुचालक होता है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नियुक्ति कौन करता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रवर समिति। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड। सूर्य में जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं इनके कारण तापीय प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शन हैं, रक्त संबंध पर, वैवाहिक व्यवस्था पर, सामाजिक संबंध पर, उपरोक्त सभी संबंधों पर। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर, मतलब कि रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और सामाजिक संबंध, मतलब तीनों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तारे का रंग किसका सूचक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सूर्य से उसकी दूरी का, पृथ्वी से उसकी दूरी का, उसके ताप का, उसकी ज्योति तीव्रता का। तो 20 का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उसके ताप का, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भौतिक शब्द का विलोम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सांसारिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आध्यात्मिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 78%। तो वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% होता है, और अदर में जो गैसें बचती हैं उनमें से सभी गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? मतलब पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। वर्षा का जो पानी है ये सबसे शुद्ध माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्री गणेश करना इसका क्या अर्थ होता है? तो श्री गणेश करना इसका अर्थ होता है कि प्रारंभ करना, ऑप्शन सी, मतलब किसी भी काम को प्रारंभ करना उसे श्री गणेश करना भी बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन है, पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, बाकी सभी हमारे ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से बॉक्साइड में से क्या निकलता जाता है? तो ऑप्शन है, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक और तांबा। तो 27 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल ही सही होगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइड एल्युमिनियम से निकलता है। नंबर 28 है, सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज़ जीता था? ऑप्शन है, जगदीश चंद्र बसु, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? हमारे ऑप्शन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या फिर उपरोक्त सभी। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
तो पर्यावरण के अंतर्गत हमारा सब कुछ आता है, वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है और स्थल मंडल भी आता है। तो इससे उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक हार्स पावर 746 वोल्ट के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम अच्छे तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे, जितना हो सकेगा आप लोगों को इतने अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।